हेलो एवरीवन, आज की वीडियो की शुरुआत इन खूबसूरत फूलों से जो मेरे गार्डन में बहुत सुंदर से ब्लूम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक है हम सभी का प्यारा अडेनियम जो कि अभी भी ब्लूम हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि अचानक से इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि चलो ठंड की वजह से इसके पत्ते गिर भी जाते हैं और ओवर वाटरिंग से भी इसके पत्ते गिर जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि अचानक से इसकी जो पत्तियां बिल्कुल सूख के लटक गए थे, तो मैंने इसके ट्रंक को चेक किया, इसके जो कोडेक्स है उसको चेक किया, तो कुछ नरम टाइप के लगे मुझे। तो ऊपर बिल्कुल ठीक था, नीचे के जो पार्ट थे वो नरम टाइप के लगे। तो विंटर में ये प्रॉब्लम अडेनियम में होती है ओवर वाटरिंग के वजह से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने अडेनियम को सभी प्लांट के साथ ही रख देते हैं और सभी प्लांट में रिक्वायरमेंट जो वाटर की होती है वो हर दिन की होती है। लेकिन अडेनियम में ऐसी बात नहीं है, अडेनियम में वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है, इसे ठंड में 5 दिन के बाद ही वाटर इसमें चाहिए होता है, इसमें डेली डेली वाटरिंग की जरूरत नहीं होती है। तो आपके पास भी अगर एडेनियम है तो आप भी इसके कोडेक्स को हमेशा चेक करते रहिए। अगर ये सॉफ्ट टाइप का लगे, आपको कुछ ऐसी लगे कि ये प्लांट में मेरी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कि उसके पत्ते लटक रहे हैं या फ्लावरिंग की क्वांटिटी कम हो रही है, कलर ही आपको बता देगा, इसकी ब्राइटनेस ही बता देगी कि आपके अडेनियम में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा इसके कोडेक्स को चेक कीजिए। और अडेनियम में वाटर की ज़रूरत थोड़ी कम होती है क्योंकि ये अपने कोडेक्स के अंदर ही वाटर रखते हैं, सफिशियंट वाटर रहता है इनको, जब ज़रूरत होता है ये अपने कोडेक्स से अपने वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसके जो रूट होते हैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते अडेनियम के, तो मैंने क्या किया, इसे पूरी तरह से मिट्टी से निकाल लिया। और निकाल लेने के बाद मैंने जो किया है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और अपने कीमती अडेनियम को बचाया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए। ये रहा मेरा प्लांट, इसे मैंने पूरी तरह से मिट्टी से निकाल लिया है और फंगीसाइड लिक्विड में डुबो कर इसे टांग दिया है। और इसे धूप में टांगना नहीं है, इसे प्लांट्स के बीचों बीच छांव में टांगना है, तभी आपके अडेनियम के जो ओवर वाटरिंग से जो सॉफ्ट हो गए थे पार्ट, देखिए अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और कुछ पार्ट गल गए थे तो उसे मैंने काट के निकाल दिया और फंगीसाइड लगा दिया। तो ऐसा करने से अडेनियम को आप बचा पाएंगे। और ऐसा है कि ये जो प्लांट है थोड़ा कॉस्टली भी होता है और इसके साथ लगाव बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 2-3 साल हम लोग पालते हैं तब इसकी कोडेक्स देखने लायक होती है। और अडेनियम बहुत ही सबका प्रिय प्लांट है, तो आप लोग भी इसे इस तरह से बचाइए। मैंने इसे टांग कर इस तरह रख दिया है छांव में, और धूप में नहीं रखना है, और ये प्लांट मेरा बच जाएगा। तो आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर, आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।